हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत है। दोस्तों ये है कि बहुत पुराना फोन नोकिया 5800 मॉडल है इसका। इसकी हेडफोन जैक से मैंने इस टीवी को कनेक्ट किया। ये टीवी भी बहुत छोटा है, लगभग एक फोन के जैसा ही साइज है इसका। तो इस टीवी में इसका डिस्प्ले प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे करना, इसके लिए केबल कैसे बनाना, वो सब मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस सब के बारे में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कैसे इस टीवी में आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सबको देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एंड्रॉइड फोन से होगा या नहीं, अगर होगा भी तो कैसे करना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने रिक्वेस्ट किए थे मेरा फेस देखने के लिए, तो फेस कैम का वीडियो तो आएगा बाद में। जो Q&A वीडियो है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले आपको मेरा फेस का एक फोटो दिखा देता हूं। तो क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा मैं हूं, बड़ा भाई या छोटा भाई? ओके, लगभग आपने गेस कर लिया, और नहीं किया तो भी बता देता हूं, ये छोटा भाई मैं हूं। ये है मेरा फोटो, मेरा नाम है भैरव कुमार मंडल। ओके, और ये मेरा एक फ्रेंड है, इस फ्रेंड का नाम है संजय मंडल, ये मेरा दादा भी कह सकते हैं। ओके, बगल में घर है इसका। तो दोस्तों ये इस वीडियो के मेन टॉपिक में चलते हैं। दोस्तों आपको दिखाएंगे इसकी केबल कैसे बनाना, उससे पहले आपको कुछ टेस्ट दिखाता हूं। जैसे आप इसको अगर वीडियो मोड करते हैं तो वीडियो कैमरा मोड में आप इसकी कैमरा में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो सब आप देख पाएंगे। ओके दोस्तों, इससे बेसिकली आपने CCTV बना सकते हैं, जैसे कि इसकी कैमरा में जो भी दिखेगा वो सबको आप CCTV बना के इस टीवी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ऐसे आप CCTV की तरह टीवी में देख सकते हैं, और इस केबल को आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। इस केबल में दो ही तार लगता है, चार तार नहीं लगता, तो बहुत सिंपल है CCTV बनाना इस तरह के फोन से। तो ये वाला फोन आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। दोस्तों जब ये नोकिया 5800 लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था 13,000 रुपये के आसपास, लेकिन ये बाद में लगभग 2 साल पहले ये आता था 1500 रुपये में। अभी ये आता है, मान सकते हैं 1000 रुपये के आसपास आपको ये फोन मिल जाएगी। और अगर नहीं मिले तो बगल में सर्च करना, OLX में सर्च करना, बहुत सारा आपको मिल जाएगा मॉडल इसका। दोस्तों इसको प्रॉपर CCTV की तरह आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैमरा कुछ देर चलने के बाद ऐसा कैमरा ऑन स्टैंड बाय लिखा के रुक जाता है। अगर आप डिस्प्ले को एक बार टच करते हैं तब कैमरा फिर से ऑन हो जाता है। तो इस फंक्शन को आपको किसी तरह से करना है, डिस्प्ले का टच करें या फिर इस बटन को एक बार दबाए, कुछ एक बटन को दबाए तभी कैमरा स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब आप खुद को एक अरेंजमेंट करना है उसको करने के लिए। तो ऐसे आप CCTV की तरह टीवी में देख सकते हैं इसको। दोस्तों अगर इसका कैमरा चलते हुए अगर आप इसकी डिस्प्ले को बंद कर देते हो तो इसमें कैमरा के फ्रेम आके रुक जाता है, कोई भी पिक्चर नहीं दिखाता है इसमें। तो इसका डिस्प्ले ऑन होना चाहिए जब आप CCTV की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर अलग पर्पस में आप इस्तेमाल करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ होने से भी कोई दिक्कत नहीं आता, इसमें डिस्प्ले प्रोजेक्टर रहता है। तो दोस्तों इसको हमेशा चलाने के लिए चार्जर को आपको लगा के रखना है, और इस स्टैंड बाय बटन को दबाने के लिए इस बटन का या फिर किसी भी बटन का दो तार निकाल के एक पुश बटन आप लगा सकते हैं, या फिर एक 555 IC से एक रिले लगा के आप कर सकते हैं, ताकि वो कुछ देर बाद उस बटन को एक बार करके प्रेस करे, तभी ये डिस्प्ले ऑन स्टैंड बाय नहीं जाएगा, ये पूरा डिस्प्ले चलता रहेगा। तो दोस्तों आपसे मेरा गुजारिश है कि आप ऐसे CCTV बना के किसी का प्राइवेसी को लेकर मत खेलो, क्योंकि आपको हक नहीं है किसी का प्राइवेसी के साथ खेलने का, क्योंकि ऐसा करना इल्लीगल है और आपको करना भी नहीं चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो वो व्यक्ति आपके ऊपर लीगल तरीके से एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो इस इंटेंशन के लिए बनाया नहीं गया है, ये वीडियो बस आपको एडुकेशनल पर्पस के लिए दिखाया गया है कि कैसे आप इस फोन की डिस्प्ले को प्रोजेक्ट कर सकते हो इससे, और क्या क्या इससे कर सकते हो। तो दोस्तों आप सवाल है इसका केबल को कैसे बनाना। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 पिन मिल जाता है और यहाँ पर आपको लगाना है 3 पिन। तो मैंने एक ही पिन लगाया है वीडियो आउट ओनली के लिए। अब ऑडियो के लिए 2 और पिन लगाना है, इसके लिए 2 और तार मेरा निकाला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं पिन को कैसे लगाना। नोकिया के लिए ये जो होता है ये है ग्राउंड पिन। इस लास्ट की है ये ग्राउंड पिन, और ये होता है वीडियो आउट पिन। और ये दोनों होता है ऑडियो का, ये लेफ्ट ये राइट। तो दोस्तों ये ग्राउंड पिन जाएगा इसमें, और बाकी 2 जो पोर्ट होगा उन दोनों का भी बाहर की इस प्लेट में लगेगा ये वाला पिन। और दोस्तों ये वाला पिन जो है ये इसमें लगेगा, ये है वीडियो के लिए। येलो कलर का जो जैक है वो वीडियो जैक है, वो लगेगा इसमें। अब आपको वीडियो आउट का तो समझ में आ गया, अब ऑडियो का आउट को आपको बता देता हूँ। ये जो रिंग है इसमें ये लगेगा, सिंपल सेम है, और बाकी दोनों है इन दोनों में, बाकी दोनों का ये वाला मिडिल का पिन लगेगा, तभी ऑडियो जैक भी आपका बन जाएगा। तो वो तीन जैक में चला जाएगा, वीडियो जाएगा आपका येलो जैक में, और ऑडियो रेड, और जो एक कलर रहता है ब्लैक या कुछ रहता है। तो ये जो बाहर वाली रिंग है इसके साथ कनेक्टेड है इसकी
ये वाला पिन। ओके, अब इसके साथ जो है कनेक्टेड है इसकी ये वाला पिन, ये लूज हो रहा है। ओके, अब दोस्तों सवाल है एंड्रॉयड फोन में ये होगा या नहीं। दोस्तों एंड्रॉयड फोन में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एंड्रॉयड फोन जब बनाया गया है वो डिजिटल के लिए बनाया गया है। इस तरह के टेलीविजन को बंद हो गया सोचा कंपनी ने, तो इसलिए एंड्रॉयड फोन में इस तरह की ऑप्शन नहीं दिया। तो फिर भी आप कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन के लिए एक एनीकास्ट का डोंगल आता है, वाईफाई डोंगल, जिससे कि वाईफाई में ये डिस्प्ले प्रोजेक्ट होता है, वो किसी भी एलईडी टीवी की एचडीएमआई पोर्ट में लग जाती है और एचडीएमआई पोर्ट से किसी भी टीवी या इस तरह की मॉनिटर में आपको दिखाई देता है इस फोन में क्या चल रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसी टीवी में करना है तो उसके लिए HDMI 2 AV का एक डोंगल आता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस डोंगल को खरीद के आप लगा के चालू कर सकते हैं। एनीकास्ट वाईफाई डोंगल से वायरलेसली इसकी डिस्प्ले प्रोजेक्ट होगा और उस वाईफाई डोंगल से ये RCA सिग्नल बनेगी, तब ये इस टीवी में काम करेगा। ओके दोस्तों, दो एंड्रॉयड फोन की मदद से कैसे CCTV बनाना वो भी दिखाऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियो में। तो ये देख सकते हैं कि एक फोन यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका मॉनिटर बन रहा है और ये वायरलेसली आपका CCTV बन रहा है। इसकी डिस्प्ले का अगर ऑफ भी कर दे तो भी ये काम होता रहेगा। इसका डिस्प्ले में या इसका कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं चलेगा और इसका बैटरी भी बचेगा। तो इस तरह से आप वाईफाई CCTV कैमरा बना सकते हैं इस तरह के अरेंजमेंट से दो फोन लेके। तो ये भी सिखा दूंगा यार आपको, आप बस सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को और कुछ नहीं करना आपको। तो दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कर लेना, ये दो एंड्रॉयड फोन से भी होगा और एक फोन एक कंप्यूटर से भी होगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। अगर इस तरह के वीडियोज आपको और देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। और इस CRT TV को लेके और क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में एक और वीडियो आएगी, जिसमें मैं बात करूंगा इस CRT TV को कैसे आप ऑसिलोस्कोप बना सकते हैं, कैसे आप म्यूजिक विजुअलाइजर बना सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक के तरह जैसे इसकी डिस्प्ले डांस करे इस तरह के बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं इससे वोल्ट मीटर, तो वो भी कैसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो उसके लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।